जो हकला एक्टर है वो क्या कर लेगा। तो भाई हगला एक्टर अगर है तो तुम्हारी मम्मी जब जवानी में नाराज हो जाया करती थी तो तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो शाहरुख खान की मूवीज दिखाकर उन्हें खुश किया करते थे। अब ये बच्चे शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठाएं। अरे उनकी मम्मी वालिद को यही पसंद था, तभी तो मम्मी मान जाया करती थी वालिद साहब जब मम्मी जब गुस्सा होती थी। हम भगवा गमछा पहनकर ये मूवी को देखने जाएंगे और ये एक नेशनल हम मैसेज देंगे लोगों को कि ये राजनीति यहाँ इंडिया में नहीं चलने वाली। ये चंद टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग अब शाहरुख खान का क्या सामना करेंगे। ऐसे ही ऑलरेडी इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है शाहरुख खान ने। इतने मूवीज में ग्रीन कपड़े पहनकर अश्लील वीडियोस बनी है, हमने तो आज तक नहीं बोला कि हमारा इस्लाम का अपमान हुआ है। रंग हमारा है ही नहीं और रंग हिंदू भाइयों का भी नहीं है, रंग इंसानियत का होता है। सच दिखता नहीं, सच बोलते नहीं, सच सुनते नहीं। सेंसर बोर्ड वालों ने वेब सीरीज देखा है, कितने वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे पड़े हैं जिसमें अश्लील अश्लील चीजें दिखाई गई है। घर के बच्चे उन्हें देखते हैं, कोई चिल्ड्रन राइट्स नहीं है। आपको शाहरुख खान के सेंसर बोर्ड वालों ने जो ये किया उससे पहले वेब सीरीज पे जाना चाहिए। बंगाल में आकर शाहरुख खान ने यह साफ संदेश दे दिया है कि आपके ये गीदड़ भक्कियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, आप प्लीज अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ले वरना पता नहीं मौसम बिगड़ेगा कहाँ कहाँ उड़ जाएंगे। और सच में ये उड़ने ही वाले। ये चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, आप ये रंग जो है वो किसी भी धर्म का नहीं है। और जितने भी हिंदू भाई हैं जो चीज़ों को समझते हैं, मेरे ख्याल से जो रंग होता है वो किसी धर्म का नहीं है। ये रंग को लेकर एक राजनीति की जा रही है, देश को माहौल को बिगाड़ने की एक साजिश है और कुछ भी नहीं। बाकी वैसे तो कहते हैं हरा रंग मुसलमानों का है, पर मैं मुसलमान होकर ये नहीं मानता कि हरा रंग हम लोगों का है। हरा जो रंग है वो तमाम लोगों का है, दुनिया में कोने कोने में जहां लोग रहते हैं ये रंग सभी का है। तो ये रंग किसी का नहीं है, ये बस लाइक ये एक राजनीति है, पॉलिटिक्स है। अपमान नहीं हुआ क्योंकि आपको अगर पता हो हमारे सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजल अजमेरी जो अजमेर में लेटे हुए हैं, जब वो अजमेर आए थे तो उस वक्त उन्होंने देखा कि हिंदुओं को हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा आस्था है ऑरेंज कलर के ऊपर से, तो वो कलर उन्होंने ओढ़ लिया और बोला अगर ये कलर आपको इतना पसंद है तो लो मैं भी ओढ़ लेता हूँ। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये रंग किसी का नहीं है और मैं नहीं मानता, और मेरे मुसलमान दोस्तों से ज़्यादा हिंदू दोस्त हैं। तो अभी तक तो मेरे पास कोई ऐसी रिव्यू नहीं आई कि जिन्होंने कहा है कि रंग का अपमान हुआ है। आप मूवीज़ देखें ना बैक में जाके, एक पॉलिटिक्स है खान के नाम पर और कुछ भी नहीं। मनोज तिवारी ने डांस किया, अश्लील डांस किया है ऐसे गानों में, और भाई साहब ये तो डायरेक्टर कोई और है, हीरोइन कोई और है, सब नॉन मुस्लिम है। तो शाहरुख खान ने तो बस डांस किया है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसने तो नहीं पहना ऑरेंज कलर। नहीं, मैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने ये प्लान किया है कि हम भगवा गमछा पहनकर ये मूवी को देखने जाएंगे और ये एक नेशनल हम मैसेज देंगे लोगों को कि ये राजनीति यहाँ इंडिया में नहीं चलने वाली। बिल्कुल जाएंगे और मैं बोल रहा हूँ कि ये सुपरहिट मूवी है, पठान सुपरहिट मूवी होने वाला है। अपमान ही नहीं हुआ है, भगवा का अपमान ही नहीं हुआ है। बॉयकट गैंग है ये, चंद टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो 500 200 रुपए में बात करते हैं और कुछ भी नहीं। लोगों को देखना चाहिए जो कहते हैं कि मुसलमान लोग हिंसा फैलाते हैं, ना मुसलमान हिंसा फैलाते हैं ना कोई हिंदू भाई हिंसा फैलाते हैं। ये चंद लोग होते हैं, ना यहाँ के होते हैं ना वहाँ के होते हैं, ये इंडियन भी नहीं है, ये इंसान भी नहीं है, ये जानवर से भी गए गुजरे हैं जो जानवर के नाम पर लोगों को मारते हैं, कलर के नाम पर लोगों को मारते हैं। और शाहरुख खान बस इनका एक टारगेट है और कुछ भी नहीं। शाहरुख खान टारगेट इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान के नाम के पीछे खान लगता है, तो लोगों को ये मूवी देखना चाहिए। माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सलमान होना गुना नहीं है, सानो सौकत से रहते हैं, हिंदू भाई के घर पे हम दावत खाने जाते हैं, हिंदू भाई हमारे घर में दावत खाने जाते हैं। मैं तमाम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके घर के पास जो मुसलमान रहते हैं कभी आपको उनसे खतरा हुआ, या आपके घर के बाहर जो हिंदू रहते हैं कभी उनसे खतरा हुआ? नहीं। ये मीडिया वाले आप लोग ही लोग ऐसे हैं कि जो ये धर्म की राजनीति करवाते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे तो कोई राजनीति ही नहीं है, कोई किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम ही नहीं है। चंद टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग अब शाहरुख खान का क्या सामना करेंगे। ऐसे ही ऑलरेडी इंटरनेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है शाहरुख खान ने, तो अब इससे आगे मैं क्या बोलूं। शाहरुख खान का इंटरनेशनल रिकॉर्ड टूट गया है, मिलियन में व्यूज़ है, और अभी शाहरुख खान ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है फीफा में, वहाँ पर उन्होंने अपनी फिल्म की प्रमोटिंग की, आज तक ये इंडियन हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। बॉयकट जो गैंग है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये बस चिल्ला रहे हैं बरसाती मेंढक है। अब जैसे ये मूवीज़ हिट हो जाएगी आपको ये लोग दिखाई भी नहीं देंगे। अगर ऐसा होता, अगर रंग का अपमान होता, तो हमारे तिरंगे में भी एक कलर भगवा है और लोग उसके ऊपर बात करते कि हमारे तिरंगे का अपमान हुआ है। कितने 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 मूवीज़ में ग्रीन कपड़े पहनकर अश्लील वीडियोस बनी है, हमने तो आज तक नहीं बोला कि हमारा इस्लाम का अपमान हुआ है। रंग हमारा है ही नहीं और रंग हिंदू भाइयों का भी नहीं है, रंग इंसानियत का होता है, ये बस राजनीति है। आपको एक बात बताया पहले ही कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं है, ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो चंद रुपये में बिकते हैं, आपको यहाँ वहाँ हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तीन बंदर थे जो देख नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था। तो हमारे देश में कई
उच्च अधिकारी के लोग ऐसे हो गए हैं जिनको सच दिखता नहीं, सच बोलते नहीं, सच सुनते नहीं। सेंसर बोर्ड वालों ने वेब सीरीज देखा है, कितने वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे पड़े हैं जिसमें असली असली चीज़ें दिखाई गई है। घर के बच्चे उन्हें देखते हैं, कोई चिल्ड्रन राइट्स नहीं है। आपको शाहरुख खान के सेंसर बोर्ड वालों ने जो ये किया उससे पहले वेब सीरीज पे झांकना चाहिए। खान डरने वाले नहीं है, शाहरुख खान एक मुद्दत से हमारे वालिद साहब हमारे साथ खड़े हैं, हमारे वालिद साहब के टाइम से शाहरुख खान हिट है और हमारे आने वाले नस्लों में भी शाहरुख खान की कहानियाँ सुनाई जाएगी। तो जब से ये गवर्नमेंट आई है सेंट्रल में, मैं तो सुनते सुनते मेरे कान में दर्द होने लगा है कि शाहरुख खान पाकिस्तान जाएं। आपको ये बात पता नहीं कि शाहरुख खान के जो दादा थे वो फ्रीडम फाइटर थे। शाहरुख खान क्यों पाकिस्तान जाएगा भाई, शाहरुख खान तो यहाँ का ही है। शाहरुख खान के नाम के पीछे खान है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बाहर जाना चाहिए। हम हिंदी हैं, वतन हमारा, ये वतन हमारा है। मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। हर लोगों का बूंद 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 ब्लड देकर हमने देश की आज़ादी करवाई है और ता कयामत ये हर कौमों का देश रहेगा। कुर्सियों की बेटी बांध ले के मौसम बिगड़ने वाला है और मौसम उनके लिए बिगड़ने वाला है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। बंगाल में आकर शाहरुख खान ने ये साफ संदेश दे दिया है कि आपके ये गीदड़ भपकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, आप प्लीज़ अपनी कुर्सियों की पेटी बांध ले वरना पता नहीं मौसम बिगड़ेगा, कहाँ कहाँ उड़ जाएंगे। और सच में ये उड़ने ही वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के निकला हुआ बॉयकट है जिनको राजनीति करनी है क्योंकि इन्हें कोई पहचानता नहीं है। अब देखो, एक इंसान ऐसा होता है जो अच्छा काम करके नाम कमाता है और एक ऐसा इंसान होता है जो गाली खाकर नाम कमाता है, तो ये गाली खाकर नाम कमाने वाले लोग। मतलब बहुत से लोग भी ये भी कह रहे हैं कि वो हकला एक्टर है, वो क्या कर लेगा। तो भाई, हकला एक्टर अगर है तो तुम्हारी मम्मी जब जवानी में नाराज़ हो जाया करती थी तो तुम्हारे वालिद साहब जो हैं वो शाहरुख खान की मूवीज़ दिखाकर उन्हें खुश किया करते थे। अब ये बच्चे शाहरुख खान के ऊपर सवाल उठाएंगे। आपको नहीं लगता है ये हकला गिरी? अरे उनकी मम्मी वालिद को यही पसंद था तभी तो मम्मी मान जाया करती थी वालिद साहब जब मम्मी जब गुस्सा होती थी।